पंकज उदास 17 मई 1951 एक भारतीय गजल और पार्श्व गायक है जो हिंदी सिनेमा और भारतीय पॉप में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1980 में आर्ट नामक एक गजल एल्बम के रिलीज के साथ की। बाद में 1981 में मुकारा, 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में पंकज उदास लाइव, 1985 में नायब और 1986 में अप्रिन जैसी कई हिट फिल्में रिकॉर्ड की। गजल के रूप में उनकी सफलता के बाद उन्हें महेश भट्ट की एक फिल्म नाम में भी अभिनय करने और गाने के लिए आमंत्रित किया गया। उदास को 1986 की फिल्म नाम में गाने से प्रसिद्धि मिली जिसमें उनका गाना चिट्ठी आई है तुरंत हिट हो गया। इसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया। दुनिया भर में एल्बम और लाइव कॉन्सर्ट के उन्हें एक गायक के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। 2006 में पंकज उदास को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री सम्मानित किया गया। पंकज उदास का जन्म गुजरात के जेतपुर में हुआ था। वह 3 भाई में सबसे छोटे है। उनके माता पिता केशुभाई उदास और जेतुभाई उदास है। उनके सबसे बड़े भाई मनोहर उदास ने बॉलीवुड फिल्मों में हिंदी पार्श्व गायक के रूप में कुछ सफलता हासिल की। उनके दूसरे बड़े भाई निर्मल उदास भी एक प्रसिद्ध गजल गायक है और परिवार में गायन शुरू करने वाले 3 भाई में से वह पहले थे। उन्होंने सर BPTI भावनगर से पढ़ाई की थी। उनका परिवार मुंबई चला गया और पंकज ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की। उदास का परिवार राजकोट के पास चरखड़ी नामक कस्बे का रहने वाला था और जमींदार था। उनके दादा गांव के पहले स्नातक थे और भावनगर राज्य दीवाना। उनके पिता केशुभाई उदास एक सरकारी कर्मचारी थे। उनकी मुलाकात प्रसिद्ध वीणा वादक अब्दुल करीम खान से हुई थी जिन्होंने उन्हें दिलेर रूबा बजाना सिखाया था। जब उदास बच्चे थे तो उनके पिता उनके भाइयों की संगीत में रुचि देखकर उनके पिता ने उनको दाखिला राजकोट की संगीत अकादमी किया। उदास ने शुरुआत में तबला सीखने के लिए खुद को नामांकित किया लेकिन बाद में गुलाम कदीर खान साहब से हिंदुस्तानी गायन शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। इसके बाद उदास ग्वालियर धारणे के गायक नवरंग नागपुर कर संरक्षण में प्रशिक्षण लेने के लिए मुंबई चले गए।